बीकानेर के लून करंटसर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ दरकते रिश्तों ने जन्म जन्म के संबंधों को तार तार कर दिया। आदतन पति की शराब पार्टी से परेशान पत्नी ने पति के सिर पर हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं शव को पास के बाड़े में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। हत्यारण पत्नी की इस करतूत का राज 26 दिन बाद खुला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से 3 घंटे बाद गड्ढे से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया। पूरा मामला लून करंटसर तहसील के कपूरीसर गांव का है और हत्या की ये वारदात 2 मई की बताई जा रही है। आज थाने पर इतला मिली कि गांव कपूरीसर में द्वारका प्रसाद नाम के व्यक्ति को उसकी पत्नी ने मर्डर करके उनके बाड़े में उसको गाड़ दिया गया। इस इतला पर मौका पर पहुंचे तो चूरू राम जाट निवासी कपूरीसर ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे लड़के द्वारका प्रसाद को मेरे पुत्र वधु मनोज देवी ने करीब आज से 25-26 दिन पहले उसको चोट पहुंचाकर उसका हत्या कर दिए और हमारे बाड़े में गाड़ दिया गया। इस पर मौका पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार श्रीमान एसडीएम साहब की उपस्थिति में गड्ढे में से गाड़ी बॉडी को निकाला गया और उसके बाद उसको मोर्चरी रूम में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। तफ्तीश जारी है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कपूरीसर के रहने वाला मृतक द्वारका प्रसाद काफी दिनों से घर नहीं था, जिसके बाद उसके पिता चारूलाल और चचेरे भाई ने रिश्तेदारों के घर और गांव में ढूंढा, लेकिन द्वारका कहीं भी नहीं मिला। काफी दिन तलाशने के बाद भी द्वारका प्रसाद नहीं मिला तो चचेरे भाई को मृतक की पत्नी मनोज पर शक हुआ और खेत में बुलाकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद हत्यारण पत्नी ने अपने पति की हत्या की बात कबूली और बताया कि उसने शव जमीन में दफना दिया है। जब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।